राधा राधा अभिनंदन आभार। मैं हूं मानस और आप देख रहे हैं सभी का चहेता और सभी का प्यारा सा चैनल सफरनामा। तो आज हम आपको नया अट्रैक्शन दिखाने के लिए आए हैं और इस नए अट्रैक्शन का नाम है रेल म्यूजियम। दिल्ली का जो रेल म्यूजियम है ये है वो। यहाँ पे कई ऐतिहासिक रेल इंजन्स, रेल के डिब्बे, अंग्रेजों के जमाने के में जो इंजन स्टीम इंजन चलता था अभी दिखा रखा है यहाँ पर। तो चलिए दिखाता हूँ आपको। ये है रेल म्यूजियम का टिकट। ये कॉस्ट करता है 50 रुपीज़ का। ये एक टॉय ट्रेन का टिकट है, ये कॉस्ट करता है 20 रुपीज़ का। तो ये है दोस्तों रेल म्यूजियम का गाइड। तो चलिए अंदर दिखाते हैं क्या क्या अट्रैक्शंस हैं इसमें। इस तरह से एंट्री होती है इस रेल म्यूजियम में। यहाँ पे फिर एक रूल सुनने को मिल गया है कि यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। अब उन्होंने मना किया है कि हम रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको तो पता ही है क्योंकि हम कितने बड़े ढीठ हैं, हम ऐसा तो मानने वाले हैं नहीं। मैं भी कभी रेल म्यूज़ियम आया नहीं। 2016 में जब मूवी रिलीज़ हुई थी की इनका, उसके बाद हम लोग रेल म्यूज़ियम एक बार आए थे क्योंकि उसमें रेल म्यूज़ियम की शूटिंग है। एक बार आपको भी दिखाना ज़रूरी है कि यहाँ पे कौन कौन से इंजन हैं और किस किस टाइम के हैं। और ये जो रेलवे ट्रैक है, बेसिकली ये जो खिलौने वाली ट्रेन है ये उसके लिए है। वो ट्रेन इस ट्रैक पे चलती है, ये ट्रेन की पटरियाँ ट्रैक चेंज करती हैं, वैसे ही इसमें भी ट्रैक चेंज होते हैं। दोस्तों अगर आपको लोकेशन का पता नहीं है तो ये पड़ता है चाणक्यपुरी में, आप इजीली आ सकते हैं। यहाँ पे मेट्रो तो आती नहीं है, तो आपको ऑटो से या अपने कन्वीनियंस से ही आना पड़ेगा यहाँ पर। पहले ये लकड़ी के बनाए जाते थे, फिर दिक्कत क्या हुई, ये पानी की वजह से बरसात में ख़राब हो जाते थे, आप देख ही सकते हैं। उसके बाद फिर इन्होंने वो सीमेंटेड बनाना शुरू किया। और ये हम आ गए दोस्तों दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग स्टेशन बना रखा है इन्होंने जहाँ पे ये ट्रेन चलती थी। दोस्तों एक इंजन दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इसका क्या साइज़ है और कितना ह्यूज इंजन है ये। ओ बहुत ही ज़बरदस्त और भीमकाय लग रहा है, नहीं? इस इंजन का नाम है सर लेस्ली विल्सन। ये है दोस्तों एक कोच जिसमें यात्री सफ़र किया करते थे। ये इंजन नहीं है, ये कोच है। उस समय लकड़ी की दिक्कत नहीं होती थी, लकड़ी अपार मात्रा में होती थी, तो ये बेसिकली कोचेस लकड़ी के ही बनाए जाते थे। ये जो गेज बोला जाता है ये क्या चीज़ होती है? डिस्टेंस है, एक पटरी से दूसरे पटरी के बीच में डिस्टेंस है। नैरो गेज मेज़रमेंट होती थी पटरी के बीच की 2 फीट से लेकर के 1 मीटर तक। अब जो ट्रेनें चलती हैं वो चलती हैं ब्रॉड गेज। सरफेस आपको ज़्यादा मिलेगी, आपकी स्पीड ज़्यादा बेटर हो सकती है। और जो आजकल की ब्रॉड गेज होती हैं, जो दोनों पटरी के बीच का डिस्टेंस होता है, वो होता है 1.4 मीटर, 1.6 मीटर।
दिस इंजन इज़ लुकिंग क्वाइट हैवी। ओ भाई काफ़ी बड़ा इंजन है ये, ये देखिए आप पीछे तक, ये कंप्लीट मुझे स्टीम इंजन लग रहा है। शोले मूवी आपने देखी होगी, शोले में जिस तरह से वो बॉयलर में कोयला फेंकते थे तो वो काम इसी में होता है। बेसिकली भोजनालय है जो पहले के ज़माने में अंग्रेज लोग यूज़ किया करते थे। आपने नोटिस किया होगा कि सारे इंजन से बेसिकली एक QR कोड लगा हुआ है, ये मुझे लगता है इनकी कोई ऐप होगी, उस ऐप को आप डाउनलोड करो, इस QR कोड को स्कैन करो और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको उस इंजन की उस कोच की देगा। इन इंजन्स पे चढ़ना मना है, अगर आप पकड़े गए तो 500 रुपीस का फाइन है। मैसूर के महाराजा हुआ करते थे, उनका सलून था ये। ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, ये इनका बेड लगा हुआ था अंदर, और असलियत में दिखाता हूँ वो है ये। और ये इन्होंने ऊपर कैफेटेरिया बना रखा है अपना। काफ़ी अच्छा रेल म्यूज़ियम बना रखा है इन्होंने, काफ़ी ऐतिहासिक इंजन्स, रेल लोकोमोटिव्स यहाँ पर हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं रेल के बारे में जानने के लिए तो आप आ सकते हैं। ये है टॉय ट्रेन, ये टॉय से भी ज़्यादा टॉय है। तो इस ट्रेन में बैठ लिया गया है दोस्तों, छुक 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 गाड़ी, फुल ट्रेन का मज़ा आ रहा है इस वक्त। और ये मैं आखिरी डिब्बे में बैठा हूँ रेल के, मज़ा आ रहा है दोस्तों, सुपर एक्साइटमेंट। अपना स्टेशन आने वाला है, बैक टू स्टेशन। व्हाइट वाला कोच और ये जो इसके पीछे ग्रीन वाला कोच है, ये दोस्तों लखनऊ में आलमबाग में बनवाया गया था। वाह, अपने शहर के ये दोनों डब्बे हैं, ये देखिए कितना बड़ा है ये, सच ए ह्यूज वन। ये इंजन बेसिकली पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए बनाया जाता था, और इनकी जो स्पीड होती थी ये 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती थी। ये भी सेम वही स्टीम इंजन है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी ह्यूज, काफ़ी बड़ा, काफ़ी बल्की था ड्राइवर का केबिन। और ये हैं अपने डीजल इंजन, ये तो चलते ही हैं अभी भी। देखो दोस्तों, सेंटिनल के नाम से है, 6273। ये इंजन बेसिकली इरीगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था, एंड दिस वॉज बिल्ड इन पंजाब। तो ये बेसिकली क्रेन है इनका, ये लोग इंटरनल पर्पस मतलब लोडिंग अनलोडिंग के लिए ही यूज़ करते थे इसको। अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ पे कई हिंदी मूवीज़ की शूटिंग हो चुकी है, जैसे कि आपने फना में गाना देखा होगा आमिर खान का, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अभी 2 साल पहले एक मूवी आई थी की एन का,
उसमें भी इस मूवी की काफ़ी शूटिंग है। तो ये थोड़ा सा यूनिक इंजन है दोस्तों, ये स्टीम के थ्रू नहीं चलता था। इसमें नीचे थे बैरल, उन बैरल के प्रेशर से इसका पिस्टन चलता था, तब ये इंजन मूव करता था। इंजन का नाम है फायरलेस लोकोमोटिव, क्योंकि इसमें फायर नहीं किया जाता था। ये देखिए दोस्तों कितना छोटा सा इंजन है ये ज़रूर छोटे ट्रैक्स या छोटे डिस्टेंस को कवर करने के लिए होता होगा। ये देख लीजिए दोस्तों, ये फर्स्ट क्लास कोच है। इसका ट्रैक देखो दोस्तों, ट्रैक देखिए, सस्पेंशन देखिए, शॉकर देखिए। तो हम घुस रहे हैं इस नेशनल रेल म्यूजियम में। ये बेसिकली आर्ट गैलरी है, इंजन्स के छोटे छोटे मॉडल्स यहाँ पे बनाए गए हैं। ये देखिए आप, ये बेसिकली जो मशीन है दोस्तों, इसमें ये दिखाया गया है कि सुरंग पहाड़ों में जो टनल्स होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, कैसे उनमें छेद किया जाता है। इधर ये एक बड़ा सा मशीन होता है जो कि पत्थर को काटता है, और वो पत्थर धीरे धीरे होते होते वो बाहर निकाले जाते हैं। ये दोस्तों मैं बताता हूँ कैसे ट्रैक ट्रेन जो है अपना ट्रैक चेंज करती है। ये देखो, अगर ये उस तरफ होगा तो ये जो ट्रेन, अगर मान लीजिए इधर से आ रही है, तो ये इस ट्रैक पे आ जाएगी। इस ट्रैक पे आते आते ये लेफ्ट लेफ्ट की तरफ मुड़ लेगी, और अगर ट्रेन को सीधा जाना हो तो इसको यूं कर दिया जाता है, ये इधर की ओर सरक जाएगा, और जो पहिया है वो इसी वाले ट्रैक पे रहेगा, इस वाले ट्रैक पे रहेगा, और वो ट्रेन जो है सीधा निकल जाएगी। वाह, मुझे ऐसे ही मॉडल्स कलेक्ट करने का और देखने का बहुत शौक है। दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को ये रेल म्यूज़ियम? मुझे तो काफ़ी मज़ा आया, उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिए, और हाँ हमेशा की तरह सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, भग के जल्दी जल्दी भागो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सावधान रहिए, और यूँ ही मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।